देखो बहन जी, वैसे तो रूप की धनी है आपकी बेटी, मगर दान दहेज के बिना जात बिरादरी में धज्जियां उड़ जाती हैं। मेरे घर में कोई कमी घटी नहीं है, कई बीघा खेती बाड़ी है, लंबा चौड़ा कारोबार है और बड़ा घर बार है। अब ऐसे में आप जो दान दहेज देंगी उसके राज तो आपकी बेटी ही भोगेगी। जी बहन जी, वैसे तो अपनी सीता जैसी बेटी आपको सहज सौंप रही हूँ, इससे बड़ा दहेज और क्या होगा, मगर फिर भी कहिए क्या मांग है आपकी। ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 लाख नकद, एक 4 चक्के की गाड़ी और सोने की चेन अंगूठी। खरा सौदा है, जब बारात बड़े गाजे बाजे के साथ आपके द्वार पर आएगी तो पूरा गांव देहात देखता रह जाएगा। गरीब गंगा राज रानी की चिकनी चुपड़ी बातों में उलझकर अपनी बेटी को अमीर घर की बहू बनने का ख्वाब बुनने लगती है। तभी आलेख कहता है, माँ एक बार उनकी दुबली दशा तो देखिए, इतनी बड़ी रकम कहाँ से देंगी वो। आलेख की कहा सुनकर राजरानी उसे चिकोटी काट कर कहती है, चुप कर तू, पता नहीं कैसा बैल बुद्धि बेटा है मेरा, बनती बात को बिगाड़ने में लगा रहता है। क्या सोचा आपने बहन जी? मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। अच्छा तो इजाजत दीजिए। उसके बाद राजरानी अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है और संध्या अपनी माँ से कहती है, माँ किस आधार पर आपने उनकी इतनी बड़ी दहेज की रकम को स्वीकार लिया? हर एक अरसे से आप लोगों के घरों में जूठे बर्तन मांझकर मुझे पाल रही हैं। ऐसे में आज तक हम इस झोपड़ी से नहीं उभर सके, तो कहाँ से लाओगी आप इतने पैसे? तो उसकी चिंता मत कर संध्या, बस मैं नहीं चाहती कि जो संघर्ष मैंने झेला, जो दुख मैंने देखा, वो मेरी बेटी सहे। अब चाहे मुझ गरीब माँ का बाल बाल भी कर्जे में क्यों ना बिक जाए, मगर तेरी डोली शानो शौकत से उठेगी। संध्या बड़ी ही सफाई से अपनी गरीब माँ की परेशानी में शरीक होने का ढोंग कर रही थी, जबकि असल में वो खुद भी अपनी गरीबी से बाहर निकलने की आस में थी। दिन ढलते गए, जिसके साथ गंगा का टूटा पिसा मन दहेज का दाम बटोरने की चिंता में घुलने लगा, जिस कारण उस गरीब माँ का भूख प्यास का एहसास भी मिटने लगा। उस रात घर की चौखट पर बैठी गंगा आंसू बहाते हुए बोलती है, भगवान तूने मुझ गरीब पर बहुत से गजब ढाए हैं। पहले भरी जवानी में पति छीन लिया, फिर गरीबी के दलदल में धंसा दिया, फिर भी मैंने बिना तुझ पर दोष लगाए अपनी हड्डियां गलाकर रोटी कमाई। मगर अब सवाल मेरी बेटी की खुशियों का है। तूने मेरी किस्मत कुश की कलम से लिख दी, मगर मैं अपनी बेटी की अमीर घर की बहू बनता देखना चाहती हूँ, ताकि अपनी गरीब माँ की तरह उसे लोगों के घर के जूठे बर्तन ना घिसने पड़े। कोई तो रास्ता दिखा। अपनी गरीबी को सोचकर गंगा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी नजर अपने घर पर घिर जाती है। अगले दिन वो घर गिरवी रख देती है। अरे ये लो पूरे 10 लाख रुपए, अब तुम्हारा घर मेरा हुआ गंगा रानी। हाँ वसूली भाई, मगर इस गरीब माँ की इतनी सी गुजारिश है कि मेरी बेटी की डोली उठने से पग फेरे तक वहाँ ठहरने दो, फिर चाहे आप वो घर भले ही ले लेना। ठीक है, ये भी सही है। अगले दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है और गंगा दहेज का सारा सामान और पैसे जोड़कर राजरानी को देकर अपनी बेटी की विदा करती है। समधन जी, अपनी फूल सी बच्ची आपको दे रही हूँ, विनती करती हूँ इसका ख्याल रखना। अरे अब ये राजरानी की बहू है, ठाट से रहेगी। अपनी बेटी को विदाई देकर वो गरीब माँ सवेरे से लेकर ढलते सांझ तक चौखट पर बैठी फूट फूट कर रोती है। इसी बीच 2 दिन बीत जाते हैं और उस सुबह एक चमचमाती महंगी गाड़ी उस गरीब माँ के टूटे फूटे चौखट के बाहर रुकती है, मगर संध्या का स्वभाव अपने पहले सा नहीं था। मेरी बच्ची तू आ गई, तेरी ये गरीब माँ कब से तुझे छाती से लगाने के लिए छटपटा रही है। जैसे ही गंगा अपनी बेटी के गले लगने के लिए आगे बढ़ती है, संध्या पीछे सरकते हुए कहती है, अरे माँ प्लीज, ये गुड़मक्खी का खेल अब नहीं बसंत मुझे, बेफजूल मेरे गले पड़कर मेरी महंगी साड़ी का सत्यानाश मत कीजिए। संध्या ये तुम कैसी बातें कर रही हो, वो माँ है तुम्हारी। जाने दीजिए दामाद जी, संध्या सही कह रही है, अब मेरी बेटी अमीर हो गई है, इसलिए शायद भूल बैठी है कि माँ के इसी मैले आंचल के साए में इसका बचपन बीता है। बस कीजिए, वो आपका फर्ज था, कोई बड़ा एहसान नहीं किया आपने मुझ पर। अब तो इस घर में मुझे घुटन हो रही है, अब मुझसे और नहीं रुका जाएगा, चलती हूँ। अपनी अमीर बेटी में आए रूखे बदलाव से उस गरीब माँ का मन टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अभी वो इस तकलीफ से उभरी नहीं थी कि वसूली वहाँ आ धमकता है। अरे चलो गंगा रानी, जो कि तुम्हारी बेटी के साथ फेरे और पग फेरे दोनों हो गए, अब तुम भी अपना रास्ता नापो, क्योंकि ये घर अब वसूली का है। इस तरह बेटी को शानो शौकत से भरपूर घर में शादी करने की सजा में उस गरीब माँ को बुढ़ापे में बनवास भोगना पड़ता है। जब एक ही झटके में उसके सिर से छत छिन जाती है,
जिस कारण गंगा को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। वहीं दूसरी ओर संध्या अपनी गरीब माँ के दुख दर्द को भुलाकर अपनी अमीरी के नशे में डूबी होती है। आलेख देखो, फाइनली कल मैंने मेरी सबसे फेवरेट साड़ी खरीद ली और देखो माँ जी ने मुझे उसकी मैचिंग की ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया है। संध्या एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या पगफेरे के बाद तुमने कभी अपनी माँ को याद किया? कभी वो उन्हें देखने गई? उफ प्लीज आलेख, अब तुम फिर से माँ की ममता का लेक्चर मत झाड़ना, क्योंकि मैंने ना गरीबी को बहुत पास से देखा है। वो मेरी जिंदगी का सबसे खराब लम्हा रहा है, इसलिए मैं वहाँ उन तंग गलियों में नहीं जाना चाहती। जानती हो संध्या, तुम्हें इस अमीर घर में ब्याहने की भरपाई उन्हें क्या कुछ खोकर चुकानी पड़ी है। उन्होंने भूखे रहकर पेट काट कर तुम्हारा पेट भरा, आराम करने की उम्र में लोगों के घरों में झूठे बर्तन धोकर तुम्हें पढ़ाया और तुम्हारी डोली उठने के बाद उनसे छत भी छिन गई। ये सुनकर संध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। माँ ने मेरी खुशियों के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया और मैं ये बलिदान देख ही ना सकी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे माँ को ढूंढना होगा। संध्या सुध बुध खोकर अपनी माँ को खोजने के लिए हर घर का दरवाजा खटखटाती है, मगर कहीं भी उसकी माँ नहीं मिलती। आलेख मेरी माँ मुझसे रूठ गई है, माँ से कहो ना कि वो अपनी बेटी के साथ लुका छुपी का खेल ना खेले। संध्या संभालो खुद को, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अपने माँ से मिलने की ललक में लाचार हुई अमीर बेटी भूखी प्यासी रहकर अपने हाथों से खाना बनाकर उन्हें भिखारियों में बांटने के लिए मंदिर आती है। हे अम्बे माँ, सुना है पूत कपूत हो जाता है मगर माता कुमाता नहीं होती। आज ये बेटी तेरे आगे झोली फैलाकर विनती करती है, इस अभागी बदनसीब को मेरी माँ से मिला दे। अरे पता नहीं अम्मा, आज ना कोई बड़ी अमीर जादी अपनी माँ के मिलने की मन्नत से हम भिखारियों को खाना कपड़ा और पैसा बांट रही है। आप बस इसी सीढ़ी पर जमी रहना और जो खाना पैसा मिले बटोर लेना। अचानक गंगा की नजर सीढ़ियों से खाना बांटती जा रही अपनी अमीर बेटी पर पड़ जाती है, जिसकी आंखों से बहते आंसू चेहरे पर घुल रहे थे। ये देख वो गरीब माँ अपने तन पर ओढ़ी मैली चादर मुंह पर चढ़ा लेती है। तभी संध्या उसे देख लेती है। माँ भगवान का शुक्र है तुम मुझे मिल गई, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बेटी का घर बसाने के लिए माँ का घर छूट गया, अपनी स्वार्थी बेटी को माफ कर दो माँ, घर चलो माँ। घर तो छिन गया बेटी, जो खोया है वो सब लौट आएगा माँ, चलो। उसके बाद गरीब गंगा अपनी बेटी के साथ घर लौट आती है। समय रहते संध्या को अपनी गरीब माँ के बलिदानों का एहसास हो जाता है और दर दर की ठोकरें खाने की बुरी यादों को भूलने में गंगा को एक अरसा लग जाता है। कड़वा कथन है मगर एक गरीब माँ अपने बच्चों की फुलवारी सींचने में अपना जीवन झोंक देती है। फिर क्यों सयाने होकर वही बच्चे उस माँ के साथ चलने से कतराते और उसके साये से भागने